मन विचार कर रहे हैं कि मेरे लाला को मारने के लिए मथुरा से बार बार दैत्य राक्षस आते हैं, दुष्ट आते हैं। एक दिन गर्ग मुनि मथुरा से चल करके गोकुल में पहुंचे। नंद बाबा ने उनका बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, चरण धुलाए, आरती उतारी, आसन पर विराजित किया। निवेदन करने लगे, प्रभु आप भूत भविष्य और वर्तमान जाने वाले ज्ञानी ऋषि हो, मैं चाहता हूं कि मेरे लाला की राशि देख करके बताओ कि इसके ऊपर कौन से ग्रह चल रहे हैं। ये तो सारे ग्रहों का भी ग्रह है, लेकिन माता और पिता को तो हमेशा अपने बेटा छोटा ही दिखता है, बालक ही दिखता है। नंद बाबा ने कहा, जरा बताओ ना कौन से ग्रह चल रहे हैं। तब गर्गाचार्य जी ने पंचांग निकाला और पंचांग निकाल करके गर्ग मुनि ने नंद बाबा से पूछा, तुम्हारे बेटे का नाम क्या है, नाम क्या है, अभी नाम ही नहीं रखा। नंद बाबा ने कहा कि बाबा मैंने तो अपने बेटे का अभी नामकरण ही नहीं कराया। गर्ग मुनि बोले, तो पर कौन सी राशि देखें, अरे नाम होता है तो राशि का पता होता है, राशि का पता होता है तो भूत भविष्य बताएंगे कि इसको कौन सा ग्रह लगा है, नाम ही नहीं है तो पर कौन सी राशि देखें। नंद बाबा ने कहा कि प्रभु आप तो ज्ञानी हो, ब्राह्मण हो और यादवों के कुल पुरोहित हो, आप ही अपने बेटे का नाम रख दो, उसके बाद राशि भी देख लेना। गर्ग मुनि ने कहा, ये ठीक रही, बुलाओ पूरे समाज को, बुलाओ पूरे गोकुल ब्रज को, वृंदावन को, अपने सखाओं को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, सभा बनाओ, बिठा लो, थोड़ा सा पूजन मूजन की व्यवस्था बनाओ, भोजन भोग प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था बनाओ, गणेश पूजन होगा, उसके बाद तुम्हारे बेटे का नामकरण संस्कार होगा। नंद बाबा ने कहा कि प्रभु हम ज़्यादा बड़े रूप से ये कार्यक्रम संपन्न नहीं कर सकते, क्योंकि जब जब हम कोई बड़ा समारोह रखते हैं, कोई बड़ा उत्सव मनाते हैं, तब तब कंस के भेजे हुए दैत्य आकर के उस उत्सव में विघ्न और विध्वंस डाल देते हैं और हमारे लाला को मारने की कोशिश करते हैं। इसलिए गुप्त रीति से गौशाला के अंदर ही हम अपने बेटे का नामकरण संस्कार करेंगे, गोपनीय पद्धति से ही नाम रखेंगे। गर्ग मुनि ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, पूजा तो पूरी होगी, अब समाज को बुलाना या नहीं बुलाना यह तुम्हारा काम। गर्ग मुनि सहमत हो गए। इधर नंद बाबा ने गैया के गोबर से लेपन मार्जन करा करके गौशाला के अंदर पाटा बिछवा करके, बिछात बिछा करके गणेश जी की स्थापना की और उसमें पूजन की थाली ला करके विराजमान करी। सारी की सारी सभा, ग्वाले, बूढ़े बूढ़े लोग आकर के बैठ गए, समाज के खास खास लोग आकर के विराजमान हो गए, विशेष विशेष रिश्तेदार आकर के विराजमान हो गए। अब गर्ग मुनि ने कहा कि अपने दोनों बालकों को बुलवाओ जिनका नामकरण संस्कार करना है। एक सेवक ने जाकर के मैया यशोदा से निवेदन किया कि माँ आपको आपके लाला के सहित सभा में बुलाया जा रहा है, आपके बेटे का नामकरण संस्कार होना है। यशोदा मैया सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर 16 श्रृंगार करके रोहिणी के लाला को अपनी गोद में लेकर के और चल पड़ी। इधर रोहिणी ने यशोदा के लाला को अपनी गोद में लिया और चल पड़ी नामकरण संस्कार करने के लिए। राधे, अदला बदली करके जा रही हैं, क्यों? इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि यशोदा और रोहिणी ये जानना चाहती हैं कि बाबा अगर ज्ञानी होगा तो समझ जाएगा ये इनका बेटा है, ये इनका बेटा है, और अगर बाबा ज्ञानी होगा समझ जाएगा तभी हम नाम रखवाएंगे, नहीं तो नहीं रखवाएंगे, अज्ञानी बाबा से नहीं रखवाएंगे, इसलिए अदला बदली करके ले जा रही हैं। और इसका दूसरा कारण ये है कि आज से 50-60 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, ये तो 5000 वर्ष पहले की बात है, 150 वर्ष पहले भी यही नियम था कि माताएं अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर के बड़े बूढ़ों के बीच में नहीं जाती थी। आजकल आजकल तो जब विदाई हो रही थी ना महाराज, वधु बहुत रो रही थी, दुल्हन बहुत रो रही थी, दूल्हे ने पूछा बहुत रो रही हो, पत्नी बोली रोएंगी नहीं, दूल्हा बोला क्यों, दुल्हन बोले अपने माता पिता को छोड़ के आए हैं, दूल्हा बोला किस लिए, दुल्हन बोली आपके लिए अपने माता पिता को छोड़ के आए हैं, दूल्हा बोला रो नहीं, तुमने मेरे लिए अपने माता पिता को छोड़ा,
हम तुम्हारे लिए, रो नहीं, आंसू पहुंच लो, तुमने मेरे लिए अपने माता पिता को छोड़ा तो हम तुम्हारे लिए। और जैसे ही आए महाराज, किसी ना किसी बहाने से दो चार दिन बाद ही कह दिया, माँ बहुत परेशान है, 4 बजे जगो, पूरा घर का काम करो, इसके बावजूद भी सुनने को मिलता है, मैं तो एक अलग रूम में अपना बना लूँगा, मुझे नहीं रहना है परिवार के साथ। और भाई साहब ने अलग ही व्यवस्था बना ली, उसी में किचन बना लिया, उसी में बैठक बना ली, सब उसी में ही, एक कमरे में रहने लग गए दोनों पति पत्नी। धीरे 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 भगवान ने कृपा करी, भगवान ने कृपा करी। अब आजकल जरूरत नहीं रहती कि सास जी साथ में जाएं या ननद जी साथ में जाएं या मौसी जी साथ में जाएं या चाची जी साथ में जाएं, कोई आवश्यक नहीं, आशा जी साथ में जाएं। और उधर फोन करके एक वो गाड़ी आ जाती है, उधर से कौन सी गाड़ी आती है, एक गाड़ी बुला लेते हैं, फोन कर देते हैं, उधर से गाड़ी आ जाती है हॉस्पिटल से, हाँ जननी एक्सप्रेस, जननी एक्सप्रेस आ जाती है, आ गई। और दोनों ही गए महाराज हॉस्पिटल, अंदर से नर्स ने ला करके जैसे ही दिया, लीजिए बधाई हो बेटा हुआ है, सो भाई साहब ने लिया। अब ना तो माता जी हैं और ना तो ननद जी हैं और ना तो भौजाई जी हैं, कोई नहीं है, खुद ही लिया, ये मेरा है, लेकर के आए और सबको समाज में देखो ये मेरा बेटा है, देखो ये मेरा बेटा, सभी खुद रहे। अब लड्डू कौन बनाएगा बताओ, खाने की व्यवस्था कौन करेगा, ज्वाइंट फैमिली और सिंगल फैमिली में यही तो परेशानी है, यही तो फर्क होता है। धीरे धीरे कैसे भी करके, कभी बालक रोता है तो भाई साहब कहते हैं रोटी हम बना देते हैं तुम संभालो, और कभी भाई साहब रोटी बनाते हैं तो बहन जी संभालते हैं, कभी बहन जी रोटी बनाती हैं तो भाई साहब लल्ला को संभालते हैं। अब आजकल बड़ी परेशानी है, और समाज में जाते हैं तो खुद ही लेके जाते हैं, इतना बेशर्मी हो गई है, ये मजबूरी कहें या बेशर्मी कहें क्या कहें, मजबूरी है, ज्वाइंट फैमिली में रहते ही नहीं तो मजबूरी है। लेकिन पुराने समय में माताएं अपने लालाओं को लेकर के समाज के बीच में नहीं जाती थी, ये नियम था, मर्यादा थी, हम लोगों को क्या दिखाएं कि ये हमारा बेटा है, सब जानते हैं, सबको पता है, इसलिए मर्यादित जीवन जीने की परंपरा थी। यशोदा ने रोहिणी का बेटा लिया, रोहिणी ने यशोदा का बेटा लिया, दोनों पहुंच गई सभा में, गणेश पूजन किया गया, स्वस्ति वाचन किया गया। उसके बाद गर्ग मुनि ने आंख बंद करके देखा, बड़ी रानी रोहिणी की गोद में जो बेटा है वो छोटा बेटा है, और छोटी रानी यशोदा की गोद में जो बेटा है वो बड़ा बेटा है। गर्ग मुनि ने सबसे पहले बड़े बालक का नामकरण संस्कार किया और कहा, जो यशोदा की गोदी में है ये यशोदा का नहीं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये यशोदा का बेटा नहीं है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृद गुणैः आख्यास्यते राम इति बलादिक्याद्वलं विदुः, इसको हम राम कहेंगे लेकिन इसमें बल अधिक होने के कारण इसका नाम बलराम रख दिया जाएगा। जैसे ही गोविंद का दर्शन किया, नेत्र बंद करके भूतकाल का दर्शन किया, पिछले अवतारों की ओर चले गए गर्ग मुनि, ओहो ये तो अलग अलग युग में अलग अलग रूप से और अलग अलग रंग से धरती पर अवतरित हुआ है, तो कहने लगे, आसन वर्णास्त्रयो यस्य ग्रहणतोनु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। शुक्लो, कभी ये शुक्ल वर्ण से पैदा हुआ होगा, रक्त फिर कभी लाल रंग से पैदा हुआ होगा, तथा पीत फिर पीले रंग से ये पैदा हुआ होगा, और इदानीं कृष्णताम गतः, इदानीं वर्तमान में, प्रेजेंट में, अभी इस समय, इदानीं कृष्णताम गतः, इस समय ये काले रंग से पैदा हुआ है और काले को कृष्ण कहते हैं, इसलिए इसका नाम हम कृष्ण रखते हैं। गर्ग मुनि ने कहा, गोपियों ने नाक भौं से कोड़ी, अनपढ़ गोपियां बोली, बाबा टेढ़ो नाम रख दियो, हमारी जुबानी ना लौटे, अरे कोई सुधो सो नाम रख, हम कोई ज्यादा पढ़ी लिखी गोपियां ना है, ऐसा टेढ़ो सो नाम कृष्ण है। अच्छा, सब लोग कृष्ण का नाम भी नहीं ले पाते, कुछ लोग किशन किशन, ज्यादातर लोग किशन ही बोलते हैं,
कृष्ण जिसका नाम हो ना, नाम ही टेढ़ा टेढ़े। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा नवेद जगदेद ग्रसो, ये बड़ा टेढ़ा नाम है। तो गोपियन ने कहा यह ठीक नाम ना है, दूसरा नाम रख। गर्ग मुनि ने कहा इसका नाम केशव रखते हैं। तो बाबा केशव को कहा मतलब होबे। गर्ग मुनि ने समझाया, कह ईशो ब्रह्मा रुद्र तव यति प्रशास्ति इति केशव। जो ईश ब्रह्मा और रुद्र तीनों पर शासन करता है उसे हम केशव कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों पर जो शासन करे उसको हम केशव कहते हैं। गोपियां बोली बाबा कैसी बात कर रहे हो, मेरे छोटे सोलाला कहाँ ब्रह्मा कहाँ विष्णु कहाँ शिव, तीनों पर शासन कैसे करेगा, ये तो छोटे सोलाला ना, यो नाम ठीक ना है, कोई और नाम रख। तो कहा या को नाम हम दामोदर रखें। दामोदर को कहा मतलब बताया, दाम मन रस्सी और उदर मन पेट, या के पेट ते रस्सी बांधी जाएगी, या नाम या को याताई या को नाम दामोदर रखे हैं। गोपियां बोली बाबा यो कोई गैया ना है, यो कोई बछड़ो ना है कि या के पेट ते रस्सी बांधेंगे, यो नाम ठीक ना है, कोई और नाम रख। गर्ग मुनि ने कही आज फंस गए गोपियन में, आज तक बहुत नाम रखे लेकिन आज पहली बार गोपियन के बीच में नामकरण कर रहे हैं। पंडित जी बोले तो क्या करें, बोले राशि को नाम रखो ना, राशि को। अच्छा राशि भी जानती हो, बोले हाँ राशि जानते हैं ना। तब गर्ग मुनि ने उंगलियन पर गिनती लगाई कि ये रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे हैं, और पहले चरण में ओ अक्षर पर नाम आता है, दूसरे चरण में जन्म होता तो वा अक्षर के ऊपर नाम आता, लेकिन इनका जन्म तीसरे चरण में हुआ है इसलिए वी अक्षर के ऊपर इनका नाम आएगा। और गर्ग मुनि ने कहा इनका नाम हम बिहारी रखते हैं, इनका बिहारी नाम ठीक रहेगा। गोपियां बोली बाबा यो नाम थोड़ा ठीक ना लगे, बिहारी बिहारी कहाँ, किस किस को बिहार चुकाएगा, बिहार ना, यो नाम ठीक ना है, कोई और नाम रख। अब गर्ग मुनि ने कहा कि देवियों हम नाम ना रख सकें, तुमको जो पसंद आवे सो रख लो, क्योंकि इनको एक नाम ना है, अनेक नाम है। बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्य ते बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना गुणकर्मानुरूपाणि। गुण के हिसाब से और कर्म के हिसाब से इनके अनेक अनेक नाम पड़ेंगे, जो जिस नाम से इनको बुलाएगा ये उसी नाम से कृपा करेगा।